दोस्तों, जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि अनलॉक के स्टेप चल रहे हैं। मोदी जी के अनुसार जो अनलॉक के फेजेस चालू किए गए थे वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को काफी छूट भी मिल चुकी है, मार्केट भी पूरी तरीके से खुल रही है, लेकिन उनको डे के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ दिन कुछ ट्रेड की दुकानें खुलेंगी तो कुछ दिन कुछ ट्रेड की दुकानें खुलेंगी। अब ऐसे में चूंकि एपिडेमिक एक्ट लागू है, बहुत से दुकानदार ऐसे कंफ्यूजन में अपनी ट्रेड के दिन ना होकर के अदर दिनों में दुकान कभी कभी खोलने की गलती कर देते हैं। या मान लीजिए सपोज के तौर पे एक व्यापारी कुछ किसी कागज निकालने के लिए जाता है अपने दुकान में, और तत्काल जो उसी वक्त वहां से एक बैच दस्ता निकलता है और वो ये समझ के कि ये ट्रेड करने के उद्देश्य से दुकान खोले है, दुकान को सील कर देता है और उसकी FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज किस धाराओं से होती है? 188, 269, 270 जैसी धाराओं पर FIR दर्ज हो जाती है। अब दोस्तों, बात आती ये है कि क्या ये धाराएं है क्या, और इस धाराओं में किस तरीके की पेचीदगी है, और इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि एक आम व्यापारी जो है कानूनी दाव पे जो उसकी शब्दावली यानी फ्रेजेस को नहीं समझ पाता, ठीक है। तो कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है लोक सेवकों द्वारा, जैसा सुनने में आता रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी वो सही करते हैं और सामने वाला गलत होता है। बहरहाल, एज ए लॉयर मैं आपको कुछ राय देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो मैं आपका दोस्त फरहान, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, धारा 188, पहले धाराओं को समझ लेते हैं। धारा 188 जो है वो ये कहती है, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, अगर कोई लोक सेवक किसी विशेष उद्देश्य से विधि पूर्वक यानी लीगल तरीके से कोई आज्ञा देता है, ठीक है, कुछ चीजों को करने से रोकता है, कुछ बाउंडेशन, कुछ सीमाएं तय करता है, कोई आज्ञा देता है, और अगर कोई पर्सन उसकी अवहेलना कर दे यानी उस पे लापरवाही कर दे, उसको तोड़ दे, उसकी आज्ञा का पालन ना करे, तो वो जो है 188 IPC के तहत अपराधी होता है। अब इसमें दो पॉइंट हैं। पहला तो ये कि अगर उसकी दी हुई आज्ञा का अवहेलना की है और उससे किसी को चोट पहुंच सकती है, ठीक है, किसी को गुस्सा आ सकता है, लोगों को बुरा हो सकता है मान लीजिए, और उस आज्ञा के तोड़ने की वजह से, अवहेलना की वजह से, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो 1 महीना मैक्सिमम की जेल है, ठीक है, या जुर्माना है, या दोनों है। अब इसी का 188 का दूसरा पॉइंट जो अभी फिलहाल एप्लीकेबल है, अगर कोई आज्ञा लोक सेवक देता है विधि पूर्ण तरीके से और उसकी अवहेलना कर दी जाती है, यानी कोई पर्सन या कोई व्यापारी कोई भी हो, कोई उसकी अवहेलना कर देता है और उस अवहेलना से मानव जीवन को खतरा हो सकता है, किसी रोग को बढ़ने में, यानी मानव जीवन का मामला, अब आप समझ सकते हैं इस चीज में कहां अप्लीकेबल है, तो अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो उस केस में 6 महीने की अधिकतम सजा या जुर्माना या दोनों है। तो ये तो हो गई धारा 188 के दोनों पॉइंट। फिलहाल पॉइंट नंबर दो दूसरा जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। अब दूसरी धारा 269 जो ज्यादातर केसेस में FIR में लिखी हुई आ रही है, जो कि मामले दर्ज हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो उसमें जो है 269 ये कहती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करे जिससे किसी संक्रमण के या बीमारी के फैलने का खतरा हो, यानी उसको मना किया गया है, गाइडलाइन है, उसके बाद भी उसने ऐसा कोई काम किया जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है, संक्रमण या बीमारी फैल सकती है, महामारी, तो उसके तहत वो दोषी माना जाएगा, मानव जीवन को खतरा हो रहा है इस वजह से, और इसकी जो सजा है वो भी अधिकतम 6 महीने की है या जुर्माना है या दोनों है। तो 269 भी आप समझ गए। अब दूसरी चीज, अब जो मेन पॉइंट आता है वो देखिए, ये तो हो गई धाराएं जो FIR में लिख करके आ रही है। अब जो पॉइंट आपके मतलब का है बचे कैसे, वो ये है कि पहली चीज तो ये दोनों धाराएं ये जमानती हैं, बेलेबल है, यानी कि थाने से जमानत हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर बचने का रास्ता नंबर एक ये है कि आपके यहाँ अगर CCTV कैमरा हो या कुछ गवाही आप इकट्ठा कर सकते हो, तो आप वो सबूत के तौर पे वहां पेश करें जो ये बात को आपके प्रूफ कर रहे हो कि आपने दुकान खोली नहीं थी पूरे दिन के लिए, किसी खास मकसद के लिए उस टाइम दुकान गए थे और ये मैटर हो गया, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि आप इस तरीके से आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, तो क्या होगा, वहां से आपका नाम उससे काट दिया जाएगा, क्योंकि FIR वहां दर्ज हुए थाने में, वहां पर आप अपराधी घोषित नहीं हुए हैं जब तक कि
आपकी चार्जशीट न्यायालय में ना पहुंच जाए, यानी आप समझ रहे हैं ना, 24 घंटे की जो टाइमिंग होती है, तो अभी तक आप अपराधी नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर के अपने जो भार साधक अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कोतवाल साहब जो इंस्पेक्टर हैं, जो मामले में इन्वॉल्व हैं, आप बात करके ये पूछ सकते हैं, जो भी वो रास्ता बताएं, तो उसमें क्या होगा कि आपको वो गवाही वगैरह आप ले जा करके आप अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। अगर वो उस बात पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो आपका नाम उससे काट देंगे, क्योंकि अभी आपकी कोई चार्जशीट नहीं गई है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर ये नहीं कर सकते आप, कोई प्रूफ नहीं इकट्ठा कर सकते, तो अब रास्ते बचते हैं जमानत के, तो आप सीधे थाने में जाकर के आप उनसे कहें, भाई मैं सर मैं जमानत लेना चाहता हूं अपनी, और रेगुलर जमानत मैं बाद में लेता रहूंगा, लिहाजा आप मुझको यहां जमानत दी जाए, तो वो अपना वो आपको प्रोसीजर बताएंगे कि दो जमानतदार ले आइए, जो भी बेल बॉन्ड होता है उसे भर करके, बहरहाल थाने से ही आपकी जमानत हो जाएगी। जमानत होने के बाद आप अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद में आप न्यायालय से जाके अपनी रेगुलर बेल करा लें। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी जब कोर्ट बंद है तो वहां पर रिमांड ऑफिसर बैठते हैं तारीखों पे रिमांड देने के लिए, तो वहां पर आप जाकर के अपनी बेल करा सकते हैं, रेगुलर बेल, और जब या तो आप ऐसे अब थाने से बेल करा लें, और उसके बाद जब वहां से चार्जशीट वहां भेजी जाए तो फिर आप वहां से जाके रेगुलर बेल करा लें। बहरहाल आपका इसमें कोई बहुत पेचीदा मैटर नहीं है कि आप अपना दिमाग आपा खो बैठे, आप परेशान बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत इजी मैटर है। हालांकि ये एक सबक है, इस मैं आपसे ये नहीं बता रहा हूँ कि आपने कोई गलती नहीं की है, बेशक गलती की है, कुछ सरकार की कानूनों का उल्लंघन तो किया है, लेकिन इतना पेचीदा मामला नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आपको सबक मिल चुका है, अब आप जो है बेल बॉन्ड भर करके बहुत आराम से, मतलब जमानती अपराध है और संगीन अपराधों की कैटेगरी में नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ट्रायल करता है। बहरहाल इसमें जो है आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने दोनों रास्ते बता दिए, या तो आप कोई प्रूफ इकट्ठा करें, अगर कोई गवाही हो तो आप उनके आधार कार्ड वगैरह एक एफिडेविट तैयार करें, उसमें पूरी बातें लिखें, अपनी FIR का नंबर भी लिखें, ये चीज़ें मुझको मतलब जो विवेचना आई है और उसमें ये FIR आई है, नंबर ये है, और उसके तहत में मैं अपना तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भाई मैं उस वक्त इस काम से गया था, या मैं दोषी नहीं आ रहा हूँ, मुझको गलत तरीके से गलती हो उससे फंसाया जा रहा है, या मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ, गलती से हो गया ऐसा, अब बहरहाल मेरा नाम काटा जाए, तो अगर वो अधिकारी इस बात पे ट्रस्ट करेगा, और जाहिर सी बात है अगर आप सबूत पुख्ता दे रहे होंगे, आप सच बोल रहे होंगे, तो वो ट्रस्ट करेगा, और उसके बाद आपका नाम उससे क्वेश कर दिया जाएगा। दूसरी बात, भले ही FIR हो, आपको मैंने बता दिया क्योंकि अभी आप अपराधी नहीं है, आपकी चार्जशीट नहीं गई है। दूसरी चीज, या तो फिर आप थाने से बेल बॉन्ड साइन कर लें और सीधे बेल करा लें, क्योंकि थाने से इसमें जमानती अपराध है, थाने से बेल होती है, उसके बाद अपनी रेगुलर बेल आप बाद में करा लें, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना संगीन मैटर है, संगीन मैटर नहीं है बस, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और बस आप ये बात का ध्यान रखें कि कोई भी मैटर कानूनी हो उसमें लापरवाही अच्छी नहीं होती, ढील अच्छी नहीं होती, शोर सिफारिश बहुत ज़्यादा कभी नहीं लगानी चाहिए पुलिस वालों और या कोर्ट कचहरी के दौरान, क्योंकि कई बार उससे मामले पेचीदा मोड़ ले लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे व्यापारी भाइयों के लिए खास तौर से मैंने ये वीडियो शूट किया है, उनकी बातों का जवाब, उनके सवालों का जवाब देने के उद्देश्य से, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।